सचिन क्या है? सचिन में लप्पू सा सचिन है, मुंह में से बोलना वहां पे आवे ना, बोलता वो है ना झिंगुर सा लड़का, उससे प्यार करेगी वो नहीं। अरे भाई इतना तगड़ा वाला रोस्ट कौन करता है? पाकिस्तान से आई सीमा इंडिया में, वो छोड़ दो, वो तो आ गई जो आ गई, लेकिन उसके बाद जो इन आंटी ने पकड़ के बजाई उसकी, मजा आया। मतलब इतना ज्यादा वायरल हो गया ये कि इसके गाने बन रहे हैं। मेरी बात तो लप्पू सा सचिन है, झिंगुर सा लड़का, क्या है सचिन मान गया सोशल मीडिया जो चीज नहीं वायरल करने की वो भी वायरल कर देते हैं, समझ रहे हो? ये आंटी कह रही है कि भाई सीमा पाकिस्तान से आ गई है तो उससे हमको खतरा है, वो कैसे आई है, उसको सच्चा प्यार था तो वो तार के नीचे से क्यों आई, वो चार पांच देश पार करके क्यों आई, वो डायरेक्ट वीजा वीजा लेके आती। बात तो सही है आंटी, ऐसे वीजा नहीं मिलता ना, अगर आप बोलते कि इधर प्यार में मैं पढ़ के जा रही हूं तो इधर वाले वीजा नहीं देते। अच्छा लेकिन कुछ भी कहो भाई, चार बच्चों के साथ बॉर्डर पार कर जाना सीमा बहुत खतरनाक। सीमा बीमा करा क्या ही हो गया अपना, क्योंकि ये आंटी तुम्हारा बीमा यहाँ करवा देगी, पक्की बात है। कुछ भी, ये वीडियो इतना वायरल हुआ कि भाई सचिन का नाम चेंज करके झिंगुर सचिन, पप्पू सचिन, लप्पू सचिन। भाई सचिन ने कहा ये क्या हो रहा है मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। और इधर ये आंटी फेमस में फेमस हुए जा रही है, फिर वो सीमा का दिमाग चौक हो गया, भाई पाकिस्तान से मैं भाग के आई हूँ, लप्पू कहा गया सचिन को, पूरा फेम ये आंटी लेके जा रही है, कुछ तो करना पड़ेगा। तो फिर मां नानी का केस ठोक दिया। अब अगर झिंगुर और लप्पू कहने से केस हो रहा है ना भाई, तो मुझे थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये वीडियो गलती से सचिन ने सीमा में से किसी ने देख लिया ना, तो फिर एक नोटिस मेरे पास भी आ जाए। नहीं, मैं डिस्क्लेमर लगा दूंगा शुरू में, डिस्क्लेमर है ना, ठीक है। पहले तो ये इंडिया और पाकिस्तान का मैटर था कि भाई कोई लड़की पाकिस्तान से इंडिया में आ गई अवैध रूप से, लेकिन अब ये लड़ाई का मैटर हो गया, जैसे मोहल्ले का लड़ाई नहीं होता क्या, अभी उसका लड़ेंगे। और फिर मीडिया भी, तेरे लड़का रात दिन दारू पी का डोला, तू कितनी अच्छी है, साला सारा काम छोड़ के इनके पीछे पड़ी हुई है। जब कुछ गलत कहूंगी जभी तो सॉरी बोलूंगी, बिजनेस। अब ये मैटर इतना बड़ा हो गया भाई कि वो सीमा पाकिस्तान से इंडिया आ गई, वो छोड़ दिया सबने। अब देखा, अब ये आंटी को पकड़ना, अब आंटी के पीछे जिसको देखे माइक लेके पड़ा हुआ, आंटी आपने कैसे बोला, एक बार बोलो ना, वो लप्पू झिंगुर। अरे बस कर भाई, आंटी कह रही है तुम्हारी मैं उस टाइम गलती से बोल गई, इसका मतलब क्या है? बाकी भी गलती न्यूज वाले ने की है, मैं न्यूज वाले पे ही थोपूंगी। अब बात है सुना क्या, ये भी मेरी गलती है। आंटी इतना फेमस होगी भाई, आंटी ने केरी मिनाटी को रोस्ट कर दिया। मेरी बात क्या है, कैरी में हाँ लप्पू से शकल है, झिंगुर सा लड़का, झिंगुर सा लड़का, बोलना यहाँ पे आवे ना, बोलू पावे ना। एक ही डायलॉग है आपके पास, कुछ दूसरा लेके आओ। जब आपको मालूम है केरी के सामने जा रहे हो तो भाई कुछ लिख के ले आते, पड़ोस से लिखवा लेते, कहीं से तो लिखवा लेते, ये जो बुलाए इनको ही बोलते कुछ लिख के दे देते, सब समझ रहे हो। वो केरी भी सोच रहा है क्या ही बोलूं मैं इसको, अभी कुछ बोल दूंगा तो बुरा मान जाएगी, फिर इधर पे युद्ध छेड़ देगी मोहल्ले वाला, जो औरतें युद्ध करती है। केरी भाई मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी व्यथा, जो भाई दुनिया की बजा रहा है उसकी कोई आके बजा रहा है भाई, समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। ठीक है कोई बात नहीं, डोंट माइंड, होता है क्या कर सकते हैं। मेरे पास शब्द ही नहीं बचे, सारे इन्होंने चूस लिए। समझ गए ना भाई, वो केरी क्यों है, आखिरी के शब्द में भी आंटी की बजा। लेकिन भाई बड़ी बात है, एक वीडियो से आंटी इतना वायरल हो गई, इधर वीडियो बना बना के थक गया मैं पूरा, इधर देखो क्या हाल है, इधर लाइट वाइट 10 तो लाइट जा रखी है मैंने वीडियो नहीं चक्कर में, फिर भी वायरल नहीं हो रहा है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे, पूरी गलती है मीडिया वाले की है। इधर आओ इंटरव्यू लेने के लिए, मेरा लो ना इंटरव्यू, मैं बोलूंगा मैं क्या है सचिन में, क्या है, क्या लप्पू सा नहीं, मैं भी ये डायलॉग नहीं बोलूंगा, मैं दूसरा बोलूंगा अपना कुछ नया लिख के। अच्छा एक्शन, क्या है सचिन में, छुचुंदर जैसी शकल है, बंदर जैसी अकल है, मतलब है क्या उसके अंदर। उसके लिए सीमा बॉर्डर पार करके आएगी, उसके लिए तो कोई गली का नाली नहीं पार करके जाए। और भाई उसका शकल देखा है एक बार तुमने, बॉडी देखी है, बॉडी के नाम पे ऐसा लगता है भगवान ने पूरा चूस लिया, क्या है बचा उसके पास। शाबाश मेरे शेर, गजब रोस्ट किया भाई, इसको वायरल करवा दो यार, ये फंस गया सी है। नहीं नहीं वायरल मत करवाना भाई, मत करवाना, वो वकील अभी एक्टिवेट है, मेरे को एक नोटिस आ जाएगा इधर। पहले ये लड़ाई चल रही थी सीमा वर्सेज मिथिलेश आंटी, लेकिन अभी है ना मिथिलेश आंटी की बहन भी आ गई है इसके अंदर, तू समझा, पूरा पारिवारिक माहौल कर देंगे हम, फिर बुआ को बुला लेंगे, फिर चाची को बुला लेंगे, इससे क्या थोड़ा पलड़ा भारी हो जाएगा, और वैसे भी उनकी बहन के आते ही पलड़ा वैसे ही भारी हो गया। भारत में, हमारे भारत में कितने गांव हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि उन गांवों को बदनाम ना करा जाए। अच्छा, इनके घर की जो बात है वो घर में कही जाती होगी, ये बात अपने घर में कहें ये बात। क्या बोल रहा है यार ये? अरे कहना क्या चाहते हो यार, ये सच में लप्पू है यार, आंटी एकदम सही बजाए इसकी, वो जो होगा देखा जाएगा आगे जाएगा। साला इतना पूरा लाइव चल रहा है, उसमें बोलना बढ़िया से, अपने दम रख आवाज में, तो ऐसे बोलता पता नहीं लगता खाना नहीं खाया 4 दिन से। सीमा खाना नहीं दे रही तेरे को? नहीं कुछ नहीं होने वाला, ऐसे चलता रहेगा 10-15 दिन तक,
दुनिया में और भी चीजें दिखाओ मीडिया वालों, लेकिन नहीं भाई साहब ये तो पता नहीं क्या दिखा रहे हो। और आज 2 महीने हो गए इसको चलते हुए, आखिर में मैंने डिसाइड कर लिया इसके ऊपर वीडियो बनाना है मुझे। कुछ समझे दया? सच में कुछ नहीं है सचिन में, बिल्कुल एकदम कट्टे ही नहीं है भाई। वो भी क्या है, अच्छा वो 4 बच्चे सीमा लिया है पाकिस्तान से, इसमें बच्चे भी नहीं होते मुझे पता है। अरे बाप रे ये तो धोती खोल रहा है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ सचिन सीमा और ये मिथिलेश आंटी लड़ रहे हैं, इनके वकील भी आपस में लड़ रहे हैं भाई साहब। मगर क्यों? सबको मालूम है कि अभी जितना फेम कमाना है कमा लो, आ जाओ भाई आ जाओ सब आ जाओ, मीडिया तुम्हारे पीछे पड़ी है। मीडिया वाले तुम कुछ और दिखाओ ना जाके, इतना इम्पोर्टेंट चल रहा देश में, उससे मेरा क्या फायदा? छोड़ो यार तुमको जो दिखाना दिखाओ अपने के, आपस तो फिर ऐसे कुछ नया आएगा तो फिर वीडियो बनाएंगे फिर लाइक कमाएंगे। और लाइक आने चाहिए यार, 2 लाख सब्सक्राइबर चाहिए मुझे, करवाओ ना, नहीं तो मैं भी बोलूंगा क्या है मेरे ऑडियंस लप्पू जैसे ऑडियंस है, सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं सब। उम्मीद करते वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जल्दी से कर लेना। अच्छा रुको 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 रुको, जाओ मत, 1 मिनट वापस आ भाई। बहुत बड़ी बात है, हमारा इंडिया चांद पे पहुंच गया, चंद्रयान 3 की बहुत ही अच्छी वाली सक्सेस लैंडिंग हो गई, जो कि भाई हमारे साइंटिस्ट उसके लिए बहुत हकदार है, तो ताली बजती है उनके लिए। तो बहुत सारी बधाइयां हमारे इसरो की टीम को, और जितना बोले उतना उन्होंने, मतलब इतना बड़ा अचीवमेंट यार, जहां तक कोई नहीं जा रहा वहां तक इंडिया जा रहा है, समझ रहे हो ना भाई कितना टैलेंट है इंडिया के अंदर। तो भाई टैलेंट पहचानो और एक बार भारत माता की जय बोलो, भारत माता की जय।